नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फार्म साथ भरकर जमकर दौड़े, एक साथ ट्रेनिंग कर सगे भाई बने दरोगा, पूरे प्रदेश में हो रही इनकी चर्चा। ब्रज में होली की धूम, विदेशी श्रद्धालु भी आनंद में डूबे, लड्डू होली में जमकर लूटा प्रसादी। पीलीभीत में प्रेम विवाह के 4 माह बाद सामने आई प्रेमिका की सच्चाई, प्रेमी हैरान, पहुंचा पुलिस के पास। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली में पटाखा बनाते समय हुए विस्फोट में युवक की थमी सांसें, दूसरा जख्मी। बीटेक बीसीए डिग्री धारक देंगे पुलिस को मजबूती, साइबर ठगों को 830 दरोगा देंगे मुंह तोड़ जवाब। मऊ में रेलवे फाटक बंद होने से 10 गांव के 50,000 से अधिक की आबादी प्रभावित, नाराज ग्रामीणों ने भरी हुंकार। फिरोजाबाद में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग, मां बेटी और बेटा बुरी तरह झुलसे, महिला की हालत नाजुक। लोधा थाना क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल खैर हाईवे पर कार ने बाइक में मारी टक्कर, नोएडा से गांव आ रहे जीजा की थमी सांसें, साला गंभीर घायल। बदायूं में मजदूर को पीटकर मार डाला, खेत में मिला शव, 2 आरोपी गिरफ्तार। फिरोजाबाद में यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन के दौरान एक कॉपी में लिखी, सर शादी के दिन भी पेपर देने आई हूँ, ससुराल में रिजल्ट देखूंगी, प्लीज पास कर देना, बना चर्चा का विषय। बरसाना में भीड़ के दबाव में टूट गई मंदिर की रेलिंग, करीब 10 श्रद्धालु घायल। ग्रेटर नोएडा में बस के इंतजार खड़े यात्री को कार ने रौंदा, 1 की थमी सांस, 2 गंभीर। नोएडा में शूटर को रिमांड पर लेकर पुलिस ने किया तवंचा बरामद। अलीगढ़ में निर्दोष युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय ने किया रिहा। टप्पल थाना पुलिस ने किया लूट का खुलासा, 3 आरोपी दबोचे। अलीगढ़ पलवल खैर हाईवे पर ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो को लिया चपेट में, कई सवारियां चोटिल। कानपुर में उत्तर प्रदेश राज्य कैनोइंग चैंपियनशिप 2024 शुरू, 18 टीमों के 70 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। फर्रुखाबाद में झारखंड से लाई 72 लाख रुपए की अफीम सहित तस्कर गिरफ्तार। कानपुर में युवती और उसके दोस्त को जमकर पीटा, चलती कार से फेंका, गाड़ी चढ़ाकर पैर तोड़ी, रिपोर्ट दर्ज। फतेहपुर जिले में जेसीबी निकालने का विवाद, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, आधा दर्जन लोगों ने किया हमला, पिता पुत्र घायल। ये थे अभी तक के बड़े समाचार, बनवारीलाल कुशवाहा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।